देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल आरआरबी एएलपी में किस टाइप का रहता है, तो आपको यहाँ पर इस चैनल पर आरआरबी के लिए जो गाइड मिलने वाला है वो कंप्लीट गाइड मिलने वाला है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट सिलेबस भी आपको मिलने वाला है। आगे आपको क्या है, टेस्ट भी मिलेंगे, CVT 1, CVT 2 और साइको, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और अंत में आपका जो भी तैयारी रहेगा उसके लिए भी आपका हेल्प मिलने वाला है। तो अंत तक आप बने रहिए वीडियो में और हम देखेंगे लास्ट में कितने लोगों का सिलेक्शन होता है। तो अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के जैसे लेटर बेस्ड जो एनालॉजी है उसको हम कॉल सॉल्व कर रहे हैं, लेटर बेस्ड एनालॉजी से रिलेटेड। तो सारी प्रश्नावली हम सॉल्व करवा रही हैं। तो पहली प्रश्नावली हमारी, ये टॉपिक हो गया लेटर बेस्ड एनालॉजी, मतलब लेटर पे बेस कुछ इनके बीच में कनेक्शन रहेगा, उनको हमें सॉल्व करना है। जैसे कि ये मेटल मेटल है और ये, अभी देखिए इसको बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है। एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, मतलब दो बढ़ रहा है, और पाँच ई 5 पे आता है। इसको आप पहले लिख लीजिए, मेटल है तो इसको लिख लीजिए एम कितना पे आता है, 13 पे, ई 5 पे, टी 20 पर, ठीक है, टी 20 पर आता है, और फिर ए 1 पर और एल 12 पर, ठीक है, और ओ सी बी वाई एन किस पे आता है, ओ 15 पे आता है, सी 3 पे आता है, फिर बी 21 पर, यू बी बी 22 पर आता है, दो बढ़ रहा है, मतलब प्लस दो माइनस दो का कॉन्सेप्ट बैठ रहा है यहाँ पर। प्लस दो माइनस दो, माइनस दो में ये 25 आ जाएगा और प्लस दो में 14 आ जाएगा, मतलब प्लस दो माइनस दो कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। प्लस दो आर मतलब 16 पर आता है, आर 18 पर आता है, 18 में दो जोड़ेंगे तो टी पहला अंक आएगा, तो पहला अंक टी सब में, और लास्ट के में भी दो जोड़ के जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 जी हमारा सब पे आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हट गया। फिर इसमें दो माइनस करेंगे 5 में 3, तो टी सी हमारा इस और इस ऑप्शन में, मतलब पहला और तीसरा हो सकता है। फिर डब्लू है, ये चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें दो जोड़ेंगे, इसमें दो माइनस करेंगे, इसमें दो माइनस करेंगे मतलब क्यू आना चाहिए, तो क्यू इसमें आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन होगा मेरा, टी सी डब्लू क्यू। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि ये है, इसमें पांचवे अक्षर समूह उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह है, पहले से पहला अक्षर समूह संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे से, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन, ऐसे ही इसका रिलेशन निकालना है। तो देखिए, ये सी है, ये पी है, तो मतलब यहाँ से उल्टा कर दिया, पी ए सी कर दिया है और इससे ई एल बी कर दिया है, पी ए सी और ई एल बी, और ए को सेंटर वाले को सेंटर में रखा है, मतलब सेंटर वाला सेंटर में रहेगा, टी टी में ही रहेगा, सेंटर वाला क्या है यहाँ पर टी है, और सी यू ए कर दिया है इसको, सी यू ए और फिर ओ आई टी। देखिए इसको इस तरीके से आप समझिए, जैसे कैपेबल है ए बी एल ई, तो इसने क्या किया है, इसको यहां से लिया है, तीनों को उल्टा कर दिया, पी ए सी कर दिया है और इसको ई एल बी ए कर दिया है, ये वाला रिटर्न कर दिया है, ई एल बी ए। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें ए यू सी है, इसके कर देगा ये सी यू ए, फिर एन ओ आई टी कर देगा, एन ओ आई टी। इसी तरीके से आर ए सी कर देगा, आर ए सी थी तो पूर्व पर के दोनों ऑप्शन में है, आर ए सी करके ये कर देगा एल यू एफ ई, एल यू एफ ई, तो एल यू एफ ई ये वाले ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला है ये, इसमें आप देखिए ट्रेंड है और इस तरीके से ये दिया हुआ है, तो देखिए ट्रेंड को आप लिख लीजिए, ट्रेंड को कैसे लिख सकते हैं आप, 20, 18, 1, 9, एन को 14, ई को 5,
और डी को 4। इसको लिखा इसने 2, क्यू को 17, फिर 21, मतलब एक एक बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, इस तरीके से कर रहा है ये। फिर 9, 5, 9, 6, 3 और 16, मतलब 9 को 9 ही रखा इसने। और फिर क्या कर दिया, इधर से ये 2 बढ़ा दिया, ये 2 बढ़ा दिया, ये 2 बढ़ा दिया, बीच वाले को सेम रखा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखें, बीच वाले को सेम रखें मतलब बीच में एल आएगा। एल किस किस में आ रहा है, 3 अक्षर छोड़ के, इसमें आ रहा है, इसमें, 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 मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा देखें कि यहाँ पर बी है, एक बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सी, फिर एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ाया, एक कम किया, एक बढ़ाया, तो एक बढ़ाया, एक कम किया, ए में से एक कम करेंगे तो जेड, तो सी जेड, फिर एक कम किया तो 5, मतलब ई सी जेड ई, सी जेड ई 5, 6, एक बढ़ा दिया, 6, 7 हो गया, सी जेड जी एल तो सब में आ रहा है, सी जेड जी एल। फिर यहाँ पर हम देखें 2 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो जी के बाद में आई भी आ रहा है, आई किस में आ रहा है, सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है आई। बीच वाला तो सेम रहेगा एल, तो आई इस ऑप्शन में आ रहा है, ये वाले में एल के बाद में आई इसमें भी आ रहा है, वैसे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर बीच वाले में 2 कम करेंगे, एन में से 2 कम करेंगे तो 12, तो आई एल के ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रखना है भाई, इसमें से इधर जाएगा +1, -1 और +1, इसी तरीके से ये सेम रहेगा, ये +2 इधर से इधर, 4 से 6, -2 और +2, तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, इसमें भी हमें वही सेम लॉजिक लगाना है। इससे ये किस तरीके से भिन्न है, मतलब ये क्यू जो आता है 17 पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है, और ई हमारा 5 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, और बी हमारा 21 पे आता है, बी हमारा 22 पे आता है, और यू हमारा 21 पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, डब्लू हमारा 23 पे आता है, और ये हमारा 19 पे आता है। तो कोई कॉन्सेप्ट बैठ रहा है इसमें, +5, 21, यू यू सेम आ रहा है, यू यू तो बीस 19 -1, कुछ बैठ नहीं रहा लॉजिक। रीच वाले से बैठा के देखते हैं, रीच में आ रहा 18, 5, 1, 3, 8, जे हमारा 10 पे, 10, 5, 3, 7, 20। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट इसमें बैठ रहा है, देखिए इधर से आप चलिए, ये +2 बैठ रहा है, इसमें भी +2 बैठ रहा है, इसमें +2 बैठ रहा है, इसमें +2 बैठ रहा है, इसमें +2 बैठ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इसमें +2 बैठ रहा है, 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 और इसमें +2 बैठ रहा है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट रह रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, इधर से +2 करिए, जी जी आएगा, फिर +2 करिए, 21 से 2 23,
लेकिन अगर आप प्लस दो करते हैं, ये 5 और 2 7 आएगा, 7 मतलब जी आएगा, और 19 और 2 21 आएगा, मतलब यही वाला आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट देख लीजिए अगर टाइम बचाना है तो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसमें भी हमें देख लेना है कि क्या कॉन्सेप्ट बैठ सकता है, सेम कॉन्सेप्ट हम बैठाएंगे यहाँ पर। देखिए इसमें, देखिए ये 1 है, 10 है, 13 है, और ये 11 है, 8 है, और 22 है, यानी -2 -2 -2 का कॉन्सेप्ट है। तो TBC कितना हो रहा है हमारा, 20, 2 और 3, तो -2 तो 18 कर दें, 18 के किसको लिखेंगे, तो -2 22 कर दें, यू बी आ जाएगा यहाँ पर, -2 मतलब 4, 4 मतलब D आएगा, और -2 मतलब 5, 5 मतलब E आएगा, EDU। तो EDU हमारा आंसर किसमें आएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, EDV आएगा, यू नहीं आएगा, बी है, तो EDV हमारा किसमें, इस ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन गलत है, EDV आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हमें वही सेम कॉन्सेप्ट देखना है, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो देखिए, एक एक 14, 5, 6, 4, 17, 23, 1, 4, 5, 7, F6 होता है, 5, 6, फिर N आ जाएगा, 14, 17, 23। तो देखिए इसमें पहला सेम है, और ये कॉन्सेप्ट है, फिर सेम रख दिया, और फिर ये भी सेम रख दिया, लास्ट के भी सेम रख दिया, तो क्या हो सकता है इसमें। क्या हो सकता है इसमें कॉन्सेप्ट, मतलब 1, 14, 5, 6, 4, 17, 23, 1, 14, 1, 14, इसने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिया, जैसे 1 के बाद में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, फिर 5, 6, 14, 17, 23, मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें असेंडिंग ऑर्डर पर क्या हो सकता है, जैसे 14 है, 14, 15, 19, 22, 14, 2 और 19, तो इसको कैसे लिख देंगे हम, 2 मतलब 20 से स्टार्ट हो जाएगा, 20 से हमारा पहला यही ऑप्शन हो रहा है लास्ट वाला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि तो 2 फिर आना चाहिए इसमें, कितना, 14, 15, 19, 22, इस तरीके से, 14, 14, 15, 19, 22, इस तरीके से आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर भी हमें वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो देखिए विटनेस है, पहले ये देख लेते हैं, विटनेस को इसने SSENT लिखा हुआ, विटनेस में, और इसमें हम देख लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट, W23 हो गया, I know TVs
N14 E5 6 EF 5 और ये 19 और 19 हो जाएगा। इससे हम देखें ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्या रहेगा 19 19 और E5 एंड फिर 14 फिर T20 I9 और W23, ये कॉन्सेप्ट बैठ रहा है हमारा। तो क्या क्या है देखिए, पीछे से 19 19 उठा दिया इसने, फिर ये 5 14 उठा लिया और फिर 20 9 उठा लिया और 23 उठा लिया, मतलब पीछे से उठा रहा है ये अंकों को, पीछे से अंकों को उठा रहा है। इसका मतलब यहाँ से पीछे से अंकों को उठा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, TCETORP, तो TCETORP ये वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है ये क्वेश्चन, देखिए इसमें हमें वही कॉन्सेप्ट पहचानना है क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, विंडो और इसको लिख देते हैं। तो विंडो को कैसे लिखेंगे आप, W को लिखेंगे 23, I को लिखेंगे 9, N को लिखेंगे 14 और D को लिखेंगे 4, O को लिखेंगे 15 और W को लिखेंगे 23। इसी तरीके से ये नीचे वाला इसको लिखेंगे 24, F हमारा 6 हो जाएगा, फिर 15, फिर E हमारा 7 हो जाएगा, E हमारा 6 हो जाएगा, तो एफ हमारा कितना 7 होगा ना, फिर एफ 7 होगा, ई हमारा 6 हो जाएगा, फिर 12, फिर X24। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, प्लस 1 कर दिया, माइनस 2 कर दिया, प्लस 1 कर दिया और 4 का कितना हो रहा है, 14 का 15, प्लस 2 कर दिया, फिर -3 कर दिया, +1 -2 +1 +2 -3 और 23 का किसने कर दिया, 24 कर दिया +1। तो देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई एफ 6 है, ये 6 होगा, -3 +1 -3 +1, फिर ये 4 था डी और ई 5 था, +1 -3 +1, +1 -3 +1 का कॉन्सेप्ट बैठ रहा है यहाँ पर, तो +1 -3 +1 करें, यहाँ पर +1 करें आर को 19 में एस आ जाएगा, -3 करें तो बी आ जाएगा, तो एस और बी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें हमें देखना है कि देखिए पुशिंग को और इसको कैसे लिखें। पुशिंग हमारा हो गया P16 U21 S19 H8 I9 N14 और G हमारा 7। अब इसको HP कर दें तो H हमारा 8 हो गया, P16 S19 U21 I फिर 9 फिर N14 और G7। तो ये तो सेम दिख रहा है हमें, लास्ट के तीन तो सेम दिख रहे हैं, मतलब ENT तो सेम आएगा, ENT इसमें ही ऑप्शन में है, सेकंड वाले ऑप्शन में, तो सेकंड वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए ये तीन अंक लास्ट के दिख रहे हैं सेम, और ये इससे ले रहा है, फिर ये सेम है, और ये इससे ले रहा है, और ये सेम है, तो इस हिसाब से
हमारा स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? चौथा अंक, चौथा अंक हमारा 8 से स्टार्ट हो रहा है। चौथा अंक हमारा एम है, वैसे एम से स्टार्ट होना चाहिए लेकिन एम तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लास्ट के 3 से मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, क्योंकि एम तो ऑप्शन में नहीं है। या फिर इसमें हम ये देख सकते हैं जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे 8, 16, 19, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है ये, तो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में क्या आएगा, पहले 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 13 आएगा और फिर 19 आएगा, मतलब कि ई जी एम एस और उसके बाद में लास्ट के 3 अंक, तो ई जी एम एस ई एन टी, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कोई बढ़ते हुए क्रम में सीक्वेंस है उसको आप बीच में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, जैसे ए आर सी एस, ई एन एच एन, जी एच ए टी, के डी एफ ओ, एम यू एस के, देखिए इसका पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दोनों में क्या मैचिंग है। पहला आर 18, सी 3 है और एस 19 है, तो देखिए ये 5 कर दिया, ये 14 कर दिया, ये 8 कर दिया और ये 14 कर दिया, मतलब +4 -6 +5 -5, यही बेटर है। +4, ये माइनस है नहीं, -4 है, +4 -4 +5 -5, तो इस तरीके से हम देखें यहाँ पर +4 करें, एम +4 क्यू से स्टार्ट होगा, तो क्यू से हमारा ये और ये ऑप्शन हो सकता है, और -4 होगा, 21 में से -4 जाएगा तो 17, तो क्यू क्यू यहाँ पर आ जाएगा आंसर, क्यू क्यू, तो क्यू क्यू एक्स एफ हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने जो लेटर बेस्ड एनालॉजी है रीजनिंग का वो हमने सॉल्व किया है। तो आपको ये लेटर बेस्ड एनालॉजी कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी हम कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं एएलपी की, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, या आपका साइंस वाला पोर्शन हो, या फिर आपका मेडिकल, साइको, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक आपको गाइडलाइंस है वो कंप्लीट मिलती रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी, जब तक कि आपका फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन तक का जो भी न्यूज़ रहेगी एएलपी से रिलेटेड वो आपको सब प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि आप ये सब सीख रहे हैं वो एक एक्स एएलपी से सीख रहे हैं। अभी एएलपी हूँ प्रेजेंट टाइम पे, मैं 2018 में भर्ती हुआ था, 2020 जून 2020 में ज्वाइनिंग हुई थी, और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन सी डेट को मैंने एएलपी का जॉब है वो छोड़ा है। तो एएलपी का जॉब मैं छोड़ने वाला हूँ निकट भविष्य में, छोड़ने के रीजन कुछ नहीं है, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिल रही है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, बाकी और कोई एएलपी की जॉब में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सपोर्ट किया है एएलपी ने, 3 साल में अच्छा खासा पैसा कमा करके एएलपी ने दिया है, लगभग लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग को जाने दें तो फिर भी 70, 60, 70, 60, 70, 80 हजार तक पेमेंट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। हम ये चाहते हैं कि लास्ट में हमें चैनल पर लोग कमेंट करें कि हमारा आपकी मदद से, आपके वीडियो की मदद से हमारा ये हेल्प हुआ है और हमारा सिलेक्शन हो गया है। धन्यवाद।